हेलो, हाँ जी पिक्चर हिट करा दी जी आपकी। हाँ नो नो नो, आप तो इसे पुलिस ही आके उतारेगी तो ये उतरेगी। जी हाँ बिल्कुल, गैलरी स्टॉल सब पैक जा रहे हैं। ना जी ना, हाउसफुल का बोर्ड भी लगा दिया है। जी हाँ, आप फिक्र ही ना करें जी। जी जी जी, नहीं नहीं, सिनेमा चल पड़ा है, आप ऐसे ही इसका मलबा बेच रहे थे। जी हाँ जी जी हुजूर, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि सेंसर को फिल्म दिखाने से पहले तो काबिले एतराज पोर्शन जो कोई भी हैं उनको काट के आप लहदा रख ले। हाँ, जब सेंसर का सर्टिफिकेट मिल जाए तो बाद में लगा दे, ना सेंसर को शिकायत, ना पब्लिक को शिकायत, ना हमें शिकायत जी 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 हाँ जी हाँ, वो जरा विंडो पर जा रहा हूँ तो फिर बाद में बात होगी आपसे। खुदा सैकड़ों आदमी चले गए वापस जिनको टिकट नहीं मिली। ये तो बात है, ये बहुत अच्छा हुआ, ये शो के लिए बहुत जरूरी है रे। देखने जब पब्लिक मायूस होकर के जाती है ना तो शो पर अच्छा असर पड़ता है यार। अलन वैसे नुकसान भी तो होता है ना। क्या देखना, वो लोग जो यहाँ फिल्म देखने वाले थे वो जाके बाहर देख लेंगे, 50 तो सिनेमा घर है। अबे 50 सिनेमा घर बाकी रह गए, 25 का तो मलबा तक बिक चुका है। और उनके जो प्लॉट थे उनकी जो दुकानें बनी थी वो भी ब्लैक की टिकटों की तरह फरोख्त हो चुकी है। सही बात है, तूने ये फिल्म को किया क्या, जादू क्या फूका तूने, पब्लिक तो टूटी पड़ रही है। बस बेटा आखिर में मैं इस राज को पा गया। क्या कि पब्लिक चाहती क्या? नहीं नहीं, पब्लिक तो फिल्म देखना चाहती और कुछ नहीं चाहती। अबे पब्लिक हर फिल्म नहीं देखना चाहती, पब्लिक सिर्फ हमारी फिल्म देखना चाहती। अच्छा जी, तो तुम्हारी फिल्म में क्या खास चीज है जो वो देखना चाहती को पता दे? हमारी फिल्म में ही तो वो खास चीज है जो दूसरों की फिल्मों में खास चीज नहीं है। नहीं है आखिर, पता तो चले ना, पता चले। तुम्हें बताना तो सेंसर को बताना है, जाके कैची फिरवा दोगे। मैं तुम्हारी जहनीत को समझता हूँ। जहनीत को समझता हूँ। आइए आइए चाचा जी। सलामुअलैकुम। वो मैनेजर साहब जी, वो बॉक्स के दो टिकट दिलवा दीजिए। वो बात दरअसल ये है कि विंडो पर जरा कुछ मायूस सा लगता है। क्यों क्यों विंडो पे मायूस क्यों लगता है जी? वो जी इसलिए कि लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा जी, आप विंडो पे खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, कोई चरस तो नहीं ले रहे कि अजीब अजीब नजरों से आपको देखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करते, बड़े सिर्फ नसीहतें करने के लिए हैं कि फिल्में ना देखो, ये ना देखो, वो ना देखो, और खुद मांग रहे हैं दो टिकटें बक्स की। अच्छा बहस मत करो ना यार, वो मांग रहे हैं, उनकी मर्जी है, मांगे। हमारा क्या काम है, हमारा काम बेचना है टिकट। देखिए आप मुझे कुछ सुलझे हुए इंसान लगते हैं और आप मुझे कुछ उलझे हुए इंसान तो लगते ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, दो टिकटें मुझे बॉस की दिलवा दीजिए। मैं दो दिन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, लेकिन टिकट नहीं मिल पाती। ओ चाचा जी, आप इस उम्र में सिनेमा के इर्द भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? भाई क्या कर रहे हो तुम, बहस मत करो। ओ तुम चुप करो, खामोश बैठ जाओ। चाचा जी इतने क्यों बोलते हो, अपने मामले की क्या बात है? आप जाए तशरीफ ले जाए, चलिए 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 इस किस्म, वरना याद रखे मैं जाके सिनेमा में बता दूंगा लोगों को कि ये वो बुजुर्ग हैं जो आप लोगों को फिल्म देखने से मना करते और खुद बैठे हुए अंदर बक्स की दो टिकटें लेकर। मैं तो यानी अजीब झक्की लोगों से पाला पड़ा है। है? ये क्या कह दो, क्या निकाल दिया मैंने इसको? अबे तुम्हें मैंने यहाँ पब्लिक को निकालने के लिए रखा, मैंने तुम्हें यहाँ ब्लैक करने को रखा बेवकूफ। तो मैं अब वहां कैसे जाऊं फिर? क्यों, वहां तो पुलिस है बाहर। वो तो पुलिस ने तुम्हें कुछ कहा है? हाँ। क्या कहा है पुलिस? मुझे एक सिपाही ने कहा। क्या? उसने सिपाही ने मुझे कहा इधर आओ। मैं भाग के गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी, तो कहता है कि जाके वहां से दो कप चाय लो, एक तुम खुद पियो और एक मुझे पिलाओ। ये कहा? नहीं नहीं, खुदा कसम कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा इस तरह की। क्यों करता है? ईमान से नहीं, मुझे नहीं। बात देख, सिनेमा चलाना है नहीं चलाना है? हाँ चलाना, ठीक है ना। तो पुलिस से क्यों डर रहा है? पुलिस देख यहाँ पर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए खड़ी। अच्छा। ठीक है ना, तुम्हें तो नहीं रोकती ना? ठीक है, चलो रोकने के लिए नहीं खड़ी। मुझे इसका पता नहीं था ना। हाँ तो अब तो पता चल गया। हाँ, पता चला। तो अब जाओ और जा करके इंतजाम देखो विंडो पर क्या है। ठीक ठीक है, जाओ। और बात सुनो, हॉल को उस तक मत खोलना जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। किसको नहीं खोलना? हॉल को।
अस्सलामुअलैकुम जी। यार नजीर, बड़ी राह दिखाई तूने यार। अबे सेकंड बेल जा चुकी है यार, अब लेके आ रहा है। ओ जी, आपको तो पता है जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचाओ। अबे वही पीस है ना जी? हाँ, जो सेंसर को नहीं दिखाया। जी हाँ जी हाँ, पक्की बात है ना? जी हाँ, ऐसी जगह छुपा कर रखा था कि किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी। अब तो प्रोड्यूसरों को भी नहीं पता होगा कि ये उनकी फिल्म का पीस है। अबे तेरे प्रोड्यूसरों ने तो सेंसर के खौफ से फिल्म बनाना ही छोड़ दिया। पोल्ट्री फार्म खोल लिया उन्होंने, अब वो ये पीस थोड़ी बेचेंगे, अब तो वो बेटे चिकन पीसेस बेच रहे हैं। तो यार ऐसा करते हैं जी, अभी हॉल खुला नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना, प्रोजेक्शन रूम में चल करके चला के देख लेते हैं। ठीक है। हाँ कंगन को आरसी जा, आ जा। अलन, ये देख मुझे कितनी खूबसूरत एक आदमी ने सिगरेट। अलन अलन कहाँ गया? चलो अच्छा ही हुआ चला गया, थोड़ी देर हम भी बैठेंगे। चर चर चर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैनेजर साहब कहाँ है? क्यों, मैं आपको मैनेजर नहीं लगता? मैं क्या आपको टिकटें ब्लैक करने वाला लगता? ओ नहीं जी नहीं। नहीं जी नहीं, कि क्या मतलब है? कितनी टिकटें चाहिए? टिकटें आप नहीं है, वैसे मैंने सारी ब्लैक कर दी। ओ जी मैं ये एक फिल्म लाया हूँ मजदूरों के बारे में। ये आदमी साल है ना मजदूरों का? हाँ हाँ मुझे पता है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम मजदूरों के लिए इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें। तो ये रील इसी के बारे में? ओ वेरी गुड। अगर आपने ये नेक काम किया है तो हम ऐसे तो नहीं है कि आप इसकी हम इसकी कदर ना करें। आप ये डब्बा छोड़ दीजिए। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। खुदा खुदा। ये अलन क्या कर? अभी पकड़ दो, मेरा ख्याल में चाय पीने बैठा होगा। क्यों साहब, ठीक है ना? नंबर वाली यार। वो जी वो पैसे दे दे। हाँ ऐसा है, फिलहाल तो ये पकड़ लो। देखिए अल्लन भाई, हाँ। अब बताइएगा ना किसी को, मालकों को पता चल जाएगा मैंने उनका 25 साल तक नमक खाया। बेटे 25 साल तक आप उनका नमक और खाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। यही तो बात है। मेहरबानी। ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो हेलो भाई, आइए सर, तशरीफ लाइए। कैसे हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? भाई वो आपने बड़ी अकलमंदी से हमारे सिनेमा को चालू करके दिखाया। बस वरना यहाँ तो उल्लू बोलते थे। आप तो इसको ढाके मलबा बना देते। सर थोड़ी बहुत हेरा फेरी जरूरी होता है, वरना जीना मुश्किल। वो बाहर आप जिस शख्स से बातें कर रहे थे, जिसे मैंने डब्बा लिया? हाँ हाँ, वो कौन था? बड़े काम का आदमी है सर, वो अपने प्रोड्यूसर की वो प्रिंट निकाल करके लाया है वो पीस। अच्छा, कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ी शानदार चीज है। तो इसको भी साथ ही चलवा रहे हो? इसको चलवा रहा हूँ ना सर। अच्छा जी हाँ। तो फिर मैं बॉक्स में चलकर बैठता हूँ। बॉक्स में चलकर बैठिए जी। हाँ, फैमिली आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल साथ है ना। हाँ, जी जी जी। तो चाय पेस्ट्री वगैरह वही मिल जाएगी? अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जल्दी से छुप जा तू। क्या हुआ? छुप जा, मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या हुआ? वो एक अफसर आ गया है। हाँ। तो पुलिस वाले ठक ठक उसको सलूट मार रहे हैं। हाँ। सादा लिबास में है वो, मेरे ख्याल में छापा पड़ गया तुझे पकड़ने के लिए। अबे अबे बात सुन, तूने सामने ब्लैक करता तो नहीं पकड़ा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको देख के ब्लैक मैंने की नहीं। वो जितनी टिकट थी ना सारी ब्लैक की मैंने वो असल कीमत से भी कम कीमत पे बेच दी। क्या? हाँ हाँ, असल कीमत पे। इनके बारे में कह रहे? अरे ये तो बड़े मेहरबान है अपने। अरे ये तो समझो कि सिनेमा के मालिक हैं, इनके कोऑपरेशन से तो सिनेमा चल रहा है। तो इन्हीं को तो सैल्यूट मार रहे थे ना लोग। हाँ तो यही था। और सर मिजाज अच्छे हैं आपके? आपकी सीटें रिजर्व है सर, बॉक्स आपका रिजर्व है। फैमिली आपकी कहाँ है सर? जी वो कार में है। कार में है। देखो सर की फैमिली भी आ गई है, समझ रहे हो ना, बहुत ख्याल रखना है इनका। हाँ। और बड़ी इज्जत से बिठाना है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। चाय केक पेस्ट्री जो चीज चाहिए फौरन भाप। ठीक। तो सर वो माफी का इंतजार था, तो फिल्म अब शुरू होने वाली। बहुत शुक्रिया। तो नहीं नहीं शुक्रिया, बहुत खादिम है सर। थैंक यू। चलिए सर।
इनके बारे में कर, इनके बारे में जाकर के टिकटे तुमने ब्लैक की टिकटे सही दामों पर भी। ये मालिक? अबे ये मालिक नहीं है, ये वो अफसर है जिसका कोऑपरेशन है हमारे साथ। यार खुदा का वास्ता है, तुमने ये क्या बदतमीजी की। मैं आ सकता हूँ? मैं फॉरेन फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। शुक्रिया। चंद फिल्मों के पोस्टर और मटेरियल लाया। अच्छा अच्छा, कैसी फिल्म है जी? बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, इसमें वायलेंस है जी? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना। क्राइम? ना 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 जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, इसने तमाम मेलों में से अवार्ड लिया। अच्छा, और दुनिया के तमाम क्रिटिक्स ने इसे सराहा। अच्छा जी हाँ, सराहा जी इसको जी। नहीं चाहिए भाई, हमको वायलेंस की फिल्में चाहिए। अगर हम वायलेंस की फिल्में पब्लिक को नहीं दिखाएंगे वो हम पर वायलेंट हो जाएगी, स्क्रीन फाड़ देगी, कुर्सियां तोड़ देगी, सिनेमा में आग लगा देगी। क्राइम चाहिए, कुछ तो सीखेंगे अजी। पब्लिक को कुछ दीजिए मोहतरम, दीजिए अजी। अल्लन साहब, अगर पब्लिक का मजाक बिगड़ चुका है तो इसे संवारा जा सकता। भाई मेरे, हम यहाँ पर मजाक संवारने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम मजाक बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। हम तो इस सिनेमा को बचाने के लिए बैठे हैं कि कल को इसका मलबा न बिक जाए। समझ रहे हैं आप? वो चीज लाइए जो पब्लिक को चाहिए। हाँ, अगर इस फील्ड में रहना है, अगर आपको जिंदा रहना, समझ रहे हैं आप? अब इस उम्र में तो मुश्किल नहीं हो सकता। मैंने सारी जिंदगी हमेशा अच्छी फिल्में मंगवाई। सारी जिंदगी आप अच्छी ही फिल्में मंगवाएंगे। अच्छा जी, खुदा खुदा। अलन, अलन, ये मैं बिठाया। बिठाया? हाँ, ठीक से बिठा लिया। हाँ, मुझे तो आज पता चला है कि ये सिनेमा अफसर का है, जबी तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। यार तू कैसा नालायक आदमी, तूने देखा इस अफसर ने कुछ कहा? कितने प्यार से आके यहाँ से मिला। हाँ। कुछ कहा तुमने? कुछ कहा मुझे? खामखा डर गए तुम और जाकर के तमाम टिकटें बेच दी तुमने सही दामों पे? नहीं नहीं, मैं क्या गजब किया तुमने? मैंने तमाम टिकटें सही दामों पे नहीं बेची है। अच्छा अच्छा, कुछ ब्लैक में भी बेची है? नहीं नहीं, कुछ मैंने सही से भी कम कीमत। और फिर बता रहा कि सही से भी कम पर बेच दिया। यार कैसा बेहूदा आदमी है। चलो अब नहीं बेचूंगा ना, अब नहीं बेचूंगा, अब तो मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? सैया भय कुतवाल मोहे डर काहे का। आइए सर, सैया भर। आइए सर, तशरीफ लाइए। थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रहा था सर, मैं आपको फोन भी करने वाला था घर पे। देर हो गई वो बेगम को तैयार होने में। पिक्चर शुरू तो नहीं हुई? नहीं सर, नहीं। पिक्चर कैसे शुरू हो जाएगी? आपके बगैर पिक्चर शुरू हो जाएगी? कयामत ना आ जाएगी? हम ऐसे कमीने और जलील नहीं है कि हम आपका इंतजार किए बगैर पिक्चर चालू करते ना। अब वो फैमिली बाहर कार पे बैठी है। कार में क्या चीज बैठी है? फैमिली बैठी है सर की। अच्छा जी हाँ, तो उनको बॉक्स में ले जाना है, बॉक्स नंबर 3 सर के लिए रिजर्व। चार चार चार, 3 तो दे दिया। ठीक है, बॉक्स नंबर 4। हाँ, चाय कॉफी ठंडा। हाँ, जिस चीज को बच्चों की बेगम साहबा को मतलब हो फौरन आनी चाहिए। हाँ, वो कॉफी। कॉफी? हाँ, टिकटें आपकी हो गई ऐसे? ये भी है कॉफी? क्या टिकटें? टिकटें इनकी वजह से तो सिनेमा चल रहा है बाबू। मालिक तब और क्या। अच्छा, ये भी मालिक है? हाँ। उए उए। सर अब मुझे क्या पता था कि सिनेमे के इतने होल्डर शेयर हैं। अब शुरू होने वाली है फिर तो सर। आइए ले जाओ और बैठाओ। काफी? हाँ, काफी। आइए। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू। साहब वो किधर है हमारे पास? अरे आपको पास की क्या जरूरत है जनाब अली, आप ये बताइए कि बंदे कितने हैं आपके? बंदे कौन से 100-200 हैं, वो बस 10-15 आदमी होते हैं हमारे। ठीक है। 10-15 आदमी ये यतीम खाने से आए? क्या बक रहे हो भाई, 10-15 आदमी तो उनके ही होते ना जो लेके चलते हैं मांगने के लिए। नहीं नहीं, ये तो सर के आदमी है। तो जनाब अली, हमने आपको कभी इनकार किया है? 10-15 आदमी के बहाने जी आप 100-150 बगैर टिकट के भी बिठा देते हैं? ना ना, बिल्कुल बगैर टिकट नहीं। ऐसे हम ये जो है ना पर्चियां चिटे हम देते ना, ऐसे हम देते। वैसे हमको उनको अपनी खुशी से तो नहीं ना बिठाते। देखिए जी, कुछ लोग आ जाते हैं कि जो 10-15 आदमी हैं इनको चुप करके बिठा दें वरना हम बिजली नहीं छोड़ेंगे। फिर आ जाते हैं कुछ लोग कि आपके सिनेमा के कुशल खाने जो है वो बहुत ही खराब है और इससे वबा फैलने का इम्कान है, तो 10-15 आदमी है बिठाने पड़ते हैं।
फिर कोई आ जाएगा जी कि आपके सिनेमे की गैलरी में त्रेड़ आ गई है, तो क्यों ना इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, बिठाने पड़ते। और साथ में देखिए जी, मजेदारी की बात है, उनको पेस्ट्रियां और केक भी खिलाने पड़ते, और ये इतना कमीना आदमी आए तो फिर कि मुझे कभी नहीं इसने चाय पिलाई, उनको पिलाता। ये बताइए हमारे 10-15 आदमी हर शो में आपको जहर क्यों लगे? नहीं साहब नहीं, आज तक हमें जहर नहीं लगे, वो तो 10-15 आदमी हमारी इज्जत। थैंक यू, ले जाओ फौरन और इनको अच्छी सीटों पर बैठो, समझ रहे हो? अगर ये ख्याल न करें तो तुम अब तक जा चुके हो। चलो चलो चलिए, तशरीफ लाइए, इनको केक पेस्ट्री भी खिलानी। नहीं केक पेस्ट्री जी सर जी, नहीं नहीं सर, अभी का आपके बगैर फिल्म नहीं शुरू होगी सर, बस आप तशरीफ ले आइए, पब्लिक बड़ी बेचैन है। थैंक यू, आपके सर। हेलो भैया लन। ओह सलाम सर, कैसे मिजाज है? ठीक है जी। ये बताओ ये फिल्म शुरू होने में कितना वक्त है? बस सर आपका ही इंतजार था, फिल्म तो अब तक शुरू हो चुकी होती, मैंने कहा सर आपकी फैमिली आ रही है तो उसके बाद ही शुरू होगा जी। अच्छा एक बात है जी, मुझे स्टाल की सीटें चाहिए। क्यों क्यों सर, वो तो आपके लिए तो गैलरी में बड़ी स्पेशल सीटें रखी हैं। नहीं भाई, बात ये है कि गैलरी की छत बड़ी कमजोर है, जानो तुम्हारी वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं की। जी जी, किसी वक्त भी गिर सकती है ये छत। जी जी, बस सर आपने ही ख्याल किया तो ये चल रहा है सिनेमा, वरना अब तक तो ये मलबा हो चुका होता है। बिठा आया हूँ मैं इसको। अच्छा, तो वो कह रहा था ना तेरे सामने 10-15 आदमी, अल्लाह की कसम 25 आदमी है। चलो कोई, और अजीब अजीब शक्लों के, किसी का मुंह किधर को है, किसी की पतलून किधर को है, किसी को कुछ अजीब शक्ल। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं का क्या मतलब है, कमाल कर रहे हो तुम। वो जो टिकटों जिन्होंने ली हुई टिकटे वो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुफ्तखोर है वो पांव पसार के बैठे हुए हैं सीटों पे। चलो कोई बात, क्या कोई बात नहीं, ये कोई सिनेमा है? नहीं जी, देखिए ना ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि कोई आ जाता कि ये फलाने महकमे का, ये फलाने महकमे का कोई आ जाता जी कि ये आपके सामने की जो गैलरी है वो बड़ी खराब है, इसलिए मैं आपका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दूं, मेरे इतने आदमी। ओहो भाई, वो सर की फैमिली बाहर बैठी हुई है गाड़ी में। हाँ? क्या बातें कर रहे हो तुम, सर को ले जाकर के स्टॉल में जो बहुत अच्छी सीटें हैं वहां जाकर के बैठाओ। अच्छा आपकी टिकटें होगी? टिकटें किससे पूछ रहे हो? क्यों किससे पूछ रहे हो? टिकटें नहीं पूछनी, इसकी टिकटें, इनसे टिकटें। क्यों, ये यतीम है? ओहो भाई, ये तो सिनेमा के मालिक है, इनके कोऑपरेशन से तो सिनेमा चल रहा है, वरना अब तक ताला पड़ा होना चाहिए था। ये भी मालिक है? हाँ, तो ले जाकर के बैठाओ। चलिए जी मैं आ रहा हूँ। चलिए, और बात सुनो, इनके लिए केक पेस्ट्री वगैरह का भी बंदोबस्त रखना। वो सर मैं फिल्म चलाया हूँ, वो रिव्यू कहाँ? दीवार वो यहाँ पड़ी हूँ, उठा लो। सर तो पता है ना कहाँ कहाँ पर ये पेमेंट लगाना है? मुझे सब पता है जी, आप फिक्र ही ना करें, मुझे पता है कहाँ कहाँ पेमेंट लगानी है। बात सुनो बेटा, जहाँ पर पब्लिक का मूड ऑफ हो, जहाँ पर वो पब्लिक पिक्चर को हूट कर रही हो, वहाँ पर धार से लगा दो तुम। ठीक, समझ रहे हो ना? ठीक, शाबाश, अगर उड़ जाए पब्लिक ये काम छोड़ दूंगा। जा ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बोलवा हो गया? कैसे, क्या हुआ, जुबान को क्या हुआ तेरे? जुबान टूटी है। खुदाया खुदाया, अबे क्या हुआ बता तो सही। यार फिल्म हूट हो रही थी तो मैंने वो वाली रील चलवा दी, मजदूरों वाली। मजदूरों वाली रील कहाँ से आ गई? वो एक आदमी मुझे देख गया था, मैंने वो चलवा दी। मैंने उसे कहा था कि ये हमारा फर्ज है इस नेक काम को करना, मजदूरों के लिए हमदर्दी पैदा करना, इंसानों के दिलों में ये हमारा फर्ज है। ओहो दब्बा उलट पुलट हो गया मेरे। सब आप टेलीफोन कीजिए, पुलिस को टेलीफोन कीजिए, बलवा हो गया, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन, वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं। आराम से सुने बात को, ये तो वो फिल्म ही नहीं है जिसके लिए हमने पैसे खर्च किए हैं। जी मेरे पैसे तो दे दे, हमारे पैसे वापस करो। बात तो सुने, आप बात तो समझ रहे भाई साहब, फिल्म आप लोग जाकर के बैठे आराम से, हम चलाएंगे फिल्म, आप बैठ करके देखे। नहीं हम नहीं, पैसे वापस करो।